लालकुआ के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे का कांग्रेसियों ने स्वागत किया। भुवन पांडे ने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को विजय बनाने का संकल्प लिया है। नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल छिम्बाल ने लालकुआ कांग्रेस के जिला महामंत्री एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुवन पांडे को लालकुआ शहर कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद कांग्रेसियों में उत्साह नजर आया। कांग्रेसियों ने अम्बेडकर पार्क में नवनियुक्त शहर अध्यक्ष भुवन पांडे का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान एकजुटता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को विजयी बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस समय लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और लोकसभा चुनाव में हमें एक नवनियुक्त अध्यक्ष जी की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं उन पर पारिवारिक दबाव था कि आप जो है आराम करिए, आप ज़्यादा राजनीति मत पड़िए। बीच में उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा काफ़ी समय। मैं सरदार जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इतने समय उन्होंने जो है पार्टी की सेवा करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भुवन पांडे जी के बनने से कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि लालकुआ में लोकसभा में से प्रकाश जोशी गिराने की कोई कोशिश युवा पर विश्वास दिलाया है, विश्वास जताया है। भुवन पांडे कोई नया नहीं, यूथ कांग्रेस लालकुआ का अध्यक्ष रह चुका है और बहुत ही लोकप्रिय लड़का है और लोग उनको इसलिए जिला का कमेटी ने उन पर विश्वास जताया है कि युवाओं को जोड़ेगा, युवाओं की जरूरत है हम लोगों को और युवाओं को जोड़ने का काम करेगा और ऊर्जावान लड़का है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव लोकसभा में वो हम सब लोगों को संगठन में मजबूत करेगा और कांग्रेस को विजय दिलाएगा। प्रकाश जोशी के हाथ मजबूत आने वाले समय हम पूरे वार्ड वार्ड घूम के, हमारा कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, सब लोग इस टाइम भाजपा की नीतियों से इस टाइम त्रस्त है, इस टाइम जनता त्रस्त है क्योंकि भाजपा से दबाव डाल रही, राजनीति कर रही है, कितना ही दबाव डाल दे मगर जनता अंदर से मन बना चुकी है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुत से इस बार जिता के भेजेगी और हम जनता के घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि कैसे भाजपा यहाँ के लोगों को कैसे उजाड़ रही है, कैसे धर्म के नाम पर छल रही है, ये हम लोगों को समझाएंगे। और हमारे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी को भारी बहुत मतों से विजयी बनवाएंगे। एकजुट है यहाँ पर, पूरी तरह एकजुट है, चाहे भाजपा कितने छल प्रबंध की राजनीति कर ले, चाहे कितने दबाव डाल के लोगों को अपने ओर खींच ले, मगर अंदर से ही लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, चाहे दबाव डाल के उनको चाहे वो ईडी का डर दिखाए या उनको जेल जाने का डर दिखाए या कोई और उनको डर दिखाए, मगर जनता मन बना चुकी है कि इस भ्रष्ट जनता, इस जन विरोधी बेरोजगार जो लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार को इनको हटाना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।